वचस्य प्रतिकारक मतलब कारक मतलब होता है बदला लेना, ठीक है ना, बदला लेना। देखिए एकस्मिन् बने श्रृंगालः बकः च निवसतः निवसतः स्मः, यानी कि एक वन में श्रृंगाल और बगुला दोनों रहते थे। तयो मित्रता आसीत्, उन दोनों में क्या थी, मित्रता थी, ठीक है ना। एकदा प्रातः श्रृंगाल बकम अवदत्, एक दिन प्रातः काल जो है श्रृंगाल जो है बक से कहता है, क्या कहता है, स्वह त्वं मया सह भोजनम करो, यानी कि तुम हे मित्र तुम और मैं दोनों एक साथ भोजन करें, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए श्रृंगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्, यानी कि श्रृंगाल के निमंत्रण से जो बगुला जो है वो क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। इसका मतलब श्रृंगाल का मतलब क्या है दोस्तों, श्याल, इसका मतलब है श्याल, और बग का मतलब है बगुला, बगुला बगुला, ठीक है ना दोस्तों। इसका बग का मतलब क्या है, बगुला बगुला, ठीक है ना, यानी कि वो दोनों क्या है, इस जो हमारे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि वो श्रृंगाल जो है बकरे का जो मित्र है वो उसको निमंत्रण के लिए बोलता है, तो बगुला जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं अपन, देखिए अग्रिम दिने सह भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम आगच्छत, यानी कि अगले दिन, अगले अग्रिम यानी अगले दिन सह यानी कि वो बगुला जो है वो भोजन के लिए श्रृंगाल के निवास स्थान पर आ जाता है, ठीक है ना दोस्तों। कुटिलः स्वभावः श्रृंगालः स्थाल्या बकया क्षीरोदनम आयच्छत, यानी कि जो श्रृंगाल जो कुटिल स्वभाव वाला जो श्रृंगाल है वो सियार है, जो क्या कर रहा है वो मतलब अपने जो मित्र को स्थाल्या मतलब थाली में, स्थाल्या का मतलब क्या था, थाली, यानी कि वो अपने मित्र को थाली में क्षीरोदन यानी कि दूध देता है। और इसके बाद बकम अवदत् च मित्रः, बक बोलता है मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादतः, इस पात्र में आप और मैं दोनों साथ में खाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए भोजन काले बकस्य चंचूः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, यानी कि भोजन काल में जब भोजन दोनों कर रहे थे तब बक यानी कि बगुले की चोंच जो है वो थाली से भोजन ग्रहण करने में क्या थी, असमर्थ थी, यानी कि वो थाली बगुला क्या है थाली से भोजन नहीं कर पा रहा था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, यानी कि बगुला जो है वो केवल उस जो थाली में रखा हुआ जो भोजन था, थाली में रखा हुआ जो दूध था उसकी तरफ क्या कर रहा था, उसकी तरफ देख रहा था, ठीक है ना। श्रृंगालः तु सर्व क्षीरोदनम अवक्षत, यानी कि श्रृंगाल जो है श्यार जो है वो मतलब सारे जो है क्षीरोदन जो थाली में जो भोजन था उसको वो सारे को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मतलब जो बगुला है वो थाली में भोजन करने से असमर्थ है और श्रृंगाल थाली में भोजन कर रहा है, ठीक है ना। इसके अपन आगे देखते हैं,
देखिए, श्रृंगारेण वंचितः बकः अचंतेत, यानी कि श्रृंगार क्या है, क्या हो गया, बक से वंचित रहने से अचिंतन पड़ गया। यथा अनेन मया सह व्यवहारं कृतः, तथा क्या कहता है वो के जो है वो श्रृंगार कहता है कि तो मेरे ही जैसा व्यवहार कर लिया। तब उसके बाद में क्या कह रहा है, अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, और हम मैं भी क्या है तुम्हारी तरह ही व्यवहार कर रहा हूँ। एव चिंतयित्वा सह श्रृंगारम् अवदत्, और चिंता में क्या करता है श्रृंगार बोलता है, मित्र त्वम् अपि स्वः सायमया भोजनम् करिष्यावः, और वो क्या कहता है कि तुम भी मेरे घर पर शाम को क्या करने आओ, भोजन करने आओ, ठीक है ना। बकस्य निमंत्रेण श्रृंगालः प्रसन्न अभवत्, यानी कि बक के निमंत्रण को सुन करके और श्रृंगाल जो है वो क्या हो गया, मन में प्रशंसित हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में तदा बकः संकीर्ण मुखे कलसे क्षीरोदनम अयच्छत, यानी कि तब क्या किया कि बक ने जो है वो संकीर्ण यानी कि लंबे मुख वाले जो पात्र था उसमें क्षीरोदन यानी कि दूध को दे दिया। श्रृंगार च अवदत, श्रृंगार से बोलता है, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहेव भोजनं कुर्वो, श्रृंगार कहता है कि अपन इस पात्र में सदैव सहेव यानी कि साथ में बैठ करके दोनों भोजन करें। बकः कलशात् चंचा क्षीरोदनम् अखादेत, यानी कि बक जो है वो कलश में अपनी चोंच से क्या करता है क्षीरोदन को ग्रहण कर लेता है, क्षीरोदन को क्या करता है खा लेता है, ठीक है ना। श्रृंगाल परंतु श्रृंगाल मुखे न प्रावेशत, यानी कि परंतु श्रृंगाल का मुख क्या होता है उसमें नहीं जाता है, क्योंकि वो लंबे मुंह का संकीर्ण होता है, ठीक है ना। इसके बाद में अतः बकः सर्व क्षीरोदनम् अखादत, और बगुले ने सारा जो क्षीरोदन है उसको ग्रहण कर लिया, उसको खा लिया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, श्रृंगालः च केवलम् ईर्ष्या अपश्यत, यानी कि श्रृंगाल केवल उसको क्या करता है ईर्ष्या से देखता है, श्रृंगाल केवल उस पात्र को उस बगुले को खाते हुए ईर्ष्या से देखता है, क्योंकि वो उसका मुंह जो है वो उस पात्र में नहीं पहुंच पा रहा तो वो उस चीज को खा नहीं पा रहा है। श्रृंगालः बकः प्रति यादृश्य व्यवहारम् अकरोत, बकः अपि श्रृंगालम् प्रति तादृश व्यवहारम् कृत्वा प्रतिकारकम् अकरोत, यानी कि श्रृंगाल ने बक के प्रति ऐसा व्यवहार किया, अकरोत बकः अपि श्रृंगाल प्रति तादृश व्यवहार, तथा बक ने भी श्रृंगाल के प्रति तादृशन जैसा उसने व्यवहार किया उसी का बदला लेने के लिए उस बगुले ने भी क्या किया व्यवहार किया, ठीक है ना। कृत्वा प्रतिकारकम, और उस बगुले ने क्या किया यानी कि उस श्रृंगाल से अपना बदला ले लिया। क्योंकि दोस्तों इस हमारी जो कहानी है इसमें कहा गया है कि एक बगुला और श्रृंगार दोनों थे, वो दोनों आपस में मित्र थे, है ना। और जो सियार जो है वो एक दिन बगुले को मतलब अपने घर पर भोजन के लिए बुलाता है और उसको स्थालिया में थाली में भोजन दे देता है, तब बगुला उस भोजन को नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी चोंच जो है वो थाली से अन्न ग्रहण नहीं कर सकती है, और यानी दूध ग्रहण नहीं कर सकती है, तो वो क्या है खा नहीं पाता है। लेकिन जब उस बगुले ने उसका बदला लेने के लिए श्रृंगाल को जो है वो भोजन पर बुलाया और उसने अपने लंबे जो संकीर्ण मुख वाले जो पात्र होता है जिसमें चोंच आराम से चली जाए ऐसे पात्र में उसने बगुले ने अपने मित्र के लिए भोजन रखा, और उसके बाद में बगुले ने खा करके और
उससे क्या किया, बदला ले लिया, यानी कि श्यार से बगुले ने बदला ले लिया। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवेत् दुःखं द्वयम् तस्मात् तद् व्यवहार कर्तव्यं मानवेन सुकेशना। यानी कि आत्मा दुर्व्यवहार से फल क्या है जो प्राप्त नहीं होता है, यानी कि किसी के साथ दुर्व्यवहार करने से आत्मा से फल प्राप्त नहीं होता है, दुख ही प्राप्त होता है। ठीक है ना दोस्तों। तस्मात् सद व्यवहार कर हर्तव्यं मानवेन सुकेशना, यानी कि सभी लोग सद व्यवहार और कर्तव्य करते हैं। अच्छा, मान जो मानव है वो हमेशा सभी मानव का ऐसा जो क्या रहे क्या होते हैं, सुखी रहते हैं। यानी कि जैसा आप व्यवहार करोगे, दुर्व्यवहार करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा, और आप सद व्यवहार करोगे मानवों के साथ तो सभी मानव जो है वो यहाँ पर क्या है सुखी जीवन प्राप्त होगा, सभी सुख प्राप्त करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। इस पाठ में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ मतलब बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और हमें अच्छे सद व्यवहार के साथ सभी लोगों को आगे चलाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।